कप्तान के दो अहम खिलाड़ियों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। वायरस का शिकार स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल सेहतयाब हो गए हैं। गवर्नर सिंध का खून का प्लाज्मा त्याग करने का ऐलान। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए और उनकी रिपोर्ट्स भी मनफी आई हैं। असद कैसर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी सेहतयाबी की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई और मेरे बच्चों की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। अल्लाह ताला की फजल करम से मैं आज अस्पताल से अपने घर मुंतकिल हो चुका हूँ और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि मेरा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है। मेरे बच्चों का टेस्ट इंशाल्लाह कल आएगा। मैं इस मौके पे अपनी तमाम आवाम का, तमाम पार्लियामेंटेरियन का, अपनी पार्टी के कारकुनों को, अपने इलाके की आवाम का, खुसूसन अपने रिश्तेदारों का एक एक का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पीकर कौमी असेंबली ने सेहतयाबी के लिए दुआ करने वाले अफराद का भी शुक्रिया अदा किया। स्पीकर कौमी असेंबली में गुज़िश्ता माह 30 अप्रैल को वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद से वो करंटीना में थे, जबकि चंद दिन कबल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी दाखिल कराया गया था। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए हैं। समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट में इमरान इस्माइल ने कहा कि मुझे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई जिसमें नतीजा मनफी आया है। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी सेहत के लिए दुआ की। मैं जल्द खून का प्लाज्मा अतिया करूंगा ताकि वो किसी जरूरतमंद के काम आ सके। इमरान इस्माइल में 27 अप्रैल को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया था।